सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो जैसा कि आपने मेरे कल वाले ब्लॉग में देखा था कि हम लोग आए हुए हैं रावंगला, और यहाँ पर ढेर सारी मस्ती करने के बाद में वीडियो बहुत लंबा होने के चलते मैंने वो वीडियो यहीं पर स्टॉप कर दिया था। तो चलिए आगे हम लोग क्या क्या करते हैं आप लोग को दिखाते हैं। चलिए यहाँ मम्मी लोग क्या पता नहीं क्या गमला का वैरायटी देख रही है मम्मी लोग। बुद्धा पार्क तो हम लोग घूम लिए और ये हम लोग रिटर्न हो रहे हैं वहाँ से। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, ये पिछले ब्लॉग में है मेरा, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है। तो यहाँ पर बगल में ही जैसे हम रास्ता में ही हम लोग का यहाँ एक मामा है, उनके बेटे का घर है, तो हमने सोचा कि चलो उनसे भी मिल लिया जाए क्योंकि बहुत साल हो चुका है हम लोग उनसे मिले नहीं हैं। तो ये है मंगले बाज़ार, छोटा सा ही बाज़ार है लेकिन अच्छा है, पुरानी यादें ताज़ा हो जाएंगी हम लोग का भी, मतलब बहुत साल हो गया, आई थिंक 20 से 25 साल हो गए होंगे हम लोग का आया हुआ यहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं उनसे। तो हमारे सिक्किम का तो मेन नियम तो है ये कि वुडन हाउस होता था पहले, तो ये भी वुडन हाउस ही है, तो अच्छा था, पहले का यादें सब ताज़ा हो गई और ये हम लोग निकल गए सब यहाँ से। यहीं बगल में कोई टूरिज्म है तो भाभी को लेके चलने के लिए, टूरिज्म घूमने के लिए, तो वही अब जा रहे हैं हम लोग टूरिज्म घूमने के लिए सब। क्या हम लोग जंगल के बीचों बीच निकल रहे हैं क्या टूरिज्म घूमने के लिए? आज नदी खोज रहे थे ना साथी हम लोग, और हम लोग अब जा रहे हैं नदी के पास ही। हम लोग क्या सीधा लेकिन यहाँ तो गेट तो बंद लग रहा है, भाभी खुलाने का कोशिश कर रही है, अब देखते हैं खुलता है कि नहीं खुलता। मैं तो सोचा कि पूरा नदी तक हम लोग पहुँच जाएंगे। तो साइड से निकलते हैं हम, इधर ऐसा खोला है देखने के लिए, नदी किनारा खोज रहे थे हम। और यहाँ पर देखो नदी कितना अच्छा बह रहा है, देख चुका पूरा मिस करते हैं लेकिन ये वाला नदी जी। यहाँ पर कितना कोशिश के बाद में बोलते 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 कि हम लोग बगल के ही हैं, खोल दीजिए, देखना चाह रहे हैं, बोलने पर ये लोग ने खोल दिया। लेकिन ये है था कि ये 2-3 दिन के बाद में इसका ओपनिंग होने वाला था, अभी जस्ट न्यू बना है लेकिन अभी साफ़ सफाई कुछ चला नहीं था, इसलिए हम लोग समझ में नहीं आया कि ये ओपनिंग होगा तो इतना गंदा क्यों भरा हुआ है। अब देखते हैं, हो सकता है कि एक दिन में ही साफ़ सफाई पूरा कर दे या नहीं। तो हम लोग यहाँ पर अंदर एंट्री कर रहे हैं, तो यहाँ पर हम लोग सब अंदर आ जाते हैं। बढ़िया होता। हाँ। ओपनिंग बा। अच्छा, लेकिन साफ सफा सारा कॉटेज बना हुआ है। अच्छा है रे सर, बड़ा कुछ फंक्शन यहाँ पर हो सकता है, बहुत बड़ा जगह। तो ये रहा रिसोर्ट, अंदर में अलग अलग कॉटेज सेम तरह का बना हुआ था और बड़ा सा एरिया था, मतलब कोई भी फंक्शन पार्टी करने के लिए अच्छा लग रहा था ये जगह हमें। रूप पे भी खुलेगा, बगल भी था, ज़्यादा दूर था भी नहीं, आई थिंक सिंगताम से 1 आवर का रनिंग होगा, 1 आवर, हाँ 45 मिनट्स का रनिंग होगा।
अच्छा लग रहा था। कोई भी पार्टी फंक्शन किसी को करना होगा तो यहाँ पर कर सकते हैं। अभी साफ़ सफाई हुआ नहीं था, जैसा कि अभी पापा ने बोला कि कल शायद इसका ओपनिंग होगा, अब देखते हैं क्या होता है। हो सकता है कल ही ओपनिंग होगा। और यहाँ पर स्विमिंग पूल भी था तो पूल पार्टी भी आराम से यहाँ पर हो सकता है। जगह भी बहुत बड़ा था और सफाई के बाद हमको लगता है ये और भी मस्त दिखेगा। एरिया बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत बड़ा लग रहा है। A few moments later. तो यहाँ हमें भाभी घुमा फिरा के ले आई हैं और ये उतर गई अपना मंगले में और हम लोग यहाँ बाय करके अब निकल रहे हैं आगे। हम 20 साल के बाद हम लोग भी तो आए, सबको हम लोग लगता है 20 साल के बाद ही आए होंगे। पहले हम लोग तो बातें थे ना, मेला के घूमते मेला लगा हुआ यहाँ पर। अब हम लोग चल रहे हैं सिंगता में बड़े पापा के घर। यहीं पर लगा था। सब ठीक है भाभी? यहाँ गए हम लोग बड़े पापा का घर सिंगता में। सोचे कि जब रास्ता में पड़ रहा था चलिए सबसे मिलते हुए चलते हैं। और ये रही भाभी, यहाँ पर हम लोग कुछ देर रुकेंगे। बच्चे खूब मस्ती कर रहे थे एकदम आराम से और रोज़ी भी सिलीगुड़ी से आने वाली थी तो यहाँ उसका भी वेट कर रहे थे। तो ये देखिए यहाँ पर ये आ जाती है खब। तो यहाँ पर हम पांचों का मिलन हो जाता है, मतलब फुल फैमिली हम लोग का कंप्लीट। सिर्फ दामाद लोग बचे हैं और कृष्ण नहीं था, बाकी सब लोग यहाँ पर हम लोग मिल जाते हैं। बहुत अच्छा लगता है। हम लोग का हो गया फैमिली कंप्लीट, मिलन कंप्लीट हो गया, फैमिली कंप्लीट। क्या बोल रहे, 110 का स्पीड में चलाए हैं, 110 का स्पीड में चलाए हैं। तो
नहीं हो फोटो ले रहे हैं आप लोग का, जल्दी जल्दी स्माइल कीजिए। वहाँ टाइम नहीं लगेगा, सिर्फ मिलना है, स्टार्ट में तो करेंगे नहीं, मिलना है तो फुलवारी है, फुलवारी हो गया। ये रहा फुल हैप्पी फैमिली। अब हम चल रहे हैं अपने सेकंड वाले बड़े पापा से मिलने। चलिए आप लोग को दिखाते हैं, ये मिलवाते हैं। ये हम लोग सब चले अब बड़े पापा से मिलने सेकंड वाले। मिस फिर से भारत मिलन में। फिर से भारत मिलाप हो गया। फैमिली को लेके एक सबसे अच्छा बात ये होता है कि सबका हंसी रुकता ही नहीं है, कुछ ना कुछ ऐसा बात होता है कि सबको हंसी आता है, पहले पहले का बात याद आता है, बहुत मज़ा आता है, मतलब नॉन स्टॉप लगता है कि हंसते हंसते पेट ही फूल जाता है। किसके साथ ऐसा होता है ज़रूर बताइएगा, क्योंकि ये हम लोग के साथ हमेशा ही हो ही रहा है, चाहे आप लोग भी देख ही रहे तब से हम लोग बस हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं, हंसे ही जा रहे हैं। कितना अच्छा लग रहा था, पूरा परिवार एक साथ है, गफ लड़ा रहे हैं, एकदम हो रहा है बात, मतलब नॉन स्टॉप बात हो ही रहा था, लेकिन टाइम रनिंग आउट हो रहा था क्योंकि रात होते जा रहा था और हमें घर भी जाना था, लेकिन लग रहा था कि यहाँ ये टाइम यहीं पर थम जाए और हम लोग इसी तरह से बात करते ही चलते चले जाएं। तो किस किस को ऐसा फील होता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं तो बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि हाँ, फैमिली फैमिली इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन आवर लाइफ, है कि नहीं। तो यहाँ पर हम लोग सब कोई उतर गए नीचे और देखिए कितना रात हो चुका है। आई गेस 10 बज रहा था या 9 o'clock हो रहा था आई गेस, हाँ उस समय। और हम लोग यहाँ पर वेट कर रहे हैं, तीन तीन व्हीकल था हमारा, तो एक एक व्हीकल करके आ रहा था, जैसे कि ये थार हुआ, क्रेटा हुआ और सवारी हुआ, तो सब हम लोग करके इसमें अपना चढ़े और निकल पड़े अपने घर की ओर। तो सिंगटम से निकलते यहाँ का रात का व्यू भी आप लोग को दिखा देते हैं। लाइटिंग जो है रात में पहाड़ का बहुत ही मस्त दिखता है, कौन का नगरी करता है इसे,
सही में मस्त दिखता है कि नहीं। Later. ये तो दिमाग लगाया है यहाँ पर, अभी बहुत बड़ा कांड हो गया। थैंक यू हेल्प कर दिन भागो मैं पप्पू, इतना आदमी था बोलना चाहिए ना। यम पप्पू जो है वॉशरूम करने के लिए उतरा और हम लोग को बोला नहीं। थैंक यू लेकिन यही है सिक्किम मैनेजर की हेल्प कर दिया, पप्पू छोड़ दिया था। और हम लोग आ गए हैं घर। वहाँ पे आज का तो पूरा शेड्यूल आप लोगों को दिखा दिया, बहुत लंबा जर्नी हम लोग करके आ रहे हैं, थक भी गए हैं। तो चलिए फिर इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।